जा रहा हूँ मैं शॉप पर, और मैं फ्रेश हो गया हूँ, मैंने नफिल वगैरह सब पढ़ लिए हैं, सैर भी सो रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ अब शॉप पर। मिलते हैं आपसे शॉप पर। तो यार मैं शुरू करने लगा हूँ एक्सरसाइज करना, टाइम हो चुका है एक्सरसाइज का। इससे बनता है आपका पीछे का बटरफ्लाई। बनेगा आपका मसल्स और आपके चेस्ट ये भी नहीं बनेगा। इससे बनेगा आपका बाजू का साइज। बनता है आपका बैक साइड और आपके मसल्स का साइज। ये आज की एक्सरसाइज थी, आपको समझ में आए होंगे टिप्स, इस्तेमाल कीजिए और फ़र्क देखिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता है फ़र्क, लेकिन फर्क पड़ गया। देखें आप चेस्ट बन रहे हैं और मसल बने थाईज है माशाल्लाह से। ये थी एक्सरसाइज आज की वीडियो। निशान में बात मारे निकले ना तो मैं जल्दी, मुझे नाश्ता ला दो यार, भूख लग रही है। हाँ यार झाड़ू तो उड़ी बिच। यार वाकई में पहले जिन्नात होते थे यार, अभी भी होते जिन्नात, कैसे झाड़ू पे उड़ रही चुड़े। देखो व्यूअर्स को दिखाओ मेरे, कैसे चुड़े उड़ रही झाड़ू पे। यार कमाल हो गया।
चलो यार चलते हैं, आगे देखता हूँ। तो यार मैं चलता हूँ, नाश्ता लेकर आता हूँ, कार्टून देखेंगे आने के बाद। अब आया हूँ इधर मैं दूध लेने के लिए, छोटे की दुकान से दूध लेते हैं। विक्रम अजय धंधा नाश्ता करने के लिए, और मेरा मुन्ना देखो कितना हंस रहा है देख देख के, है ना मुन्ना, है ना। मुन्ना कीमा आलू शामी कबाब पराठे, चाय तो मेरी फेवरेट है, मैं पहले ही लाता हूँ। और मैं करने लगा हूँ नाश्ता। शेयर कमेंट करें, ये आपका इनाम भी, टॉफी का है वो मुन्नी को जो देनी है, मुन्नी ये लो टॉफी भी, सही है जा। आ चुका हूँ घर पे, अपना खत वगैरह बनवा के, बालों की कटिंग मैंने कल करवाई थी, तो अब मुझे जो है ना सामान लेना है जाके बाज़ार काफ़ी सारा। और अभी जो है मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ अपने कामों से। जैद भी मेरा मुन्ना सो रहा है, बस मैंने अभी काम करना है अपने और जाना है यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आया हूँ सामान लेने के लिए इमरान भाई की दुकान पर, तो लेते हैं यहाँ से सामान। आज चांद रात का दिन है और देखो कितना रश हो रहा है, लोग कैसे ख़रीदारी कर रहे हैं ये सारी, और काफ़ी रश हो रहा है हमारे ही कायदाबाद में। ये देखो चेक करो, और कितना रश हो रहा है सब जगह। मैं भी अपने ही सामान लेने के लिए निकला हूँ काफ़ी देर से, पता नहीं इधर क्या हो रहा है, सब ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी है, इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ माशाल्लाह। आज चांद रात का दिन है और इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ यहाँ पर, इतना प्यारा लग रहा है। लेने के लिए आया हूँ यहाँ से दूर, तो काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ इनकी दुकान पर, मुझे भी दे देना 2 किलो भाई। और फिर काफ़ी गर्मी हो रही है इधर, लाइट भी नहीं है, काफ़ी रश भी हो रहा है। ले रहा हूँ मैं यहाँ से सब्ज़ी, आ रहे मेरे व्लॉग यहाँ पर आपके पास, आ गया हूँ ये सामान लेके सारा, अब जा रहा हूँ मैं घर, काफ़ी धूप हो रही है तेज। तो यार टाइम हो चुका है जोहर की नमाज का, चलते हैं यार नमाज पढ़कर आते हैं। तो यार चलता हूँ मैं, आज वैसे भी चांद रात का दिन है, कल ईद है, तो आज नमाज पढ़ते हैं जाके, जोहर की टाइम हो चुका है। साथ निकाल रहा है बिरयानी क्या हुआ साथ आज रश नहीं हो रहा? अच्छा
खाने लगा हूँ लंच। चलो शुरू करते हैं। चलो खाओ यार, बिस्मिल्लाह करो। निशान भाई मेरे को बड़ा बेइज्जती भी करते हैं, गाइड के साथ जाकर उनका कोई काम काज करता हूँ तो मुझे बहुत। मैं इनकी दुकान पे आया था भाई की सब्ज़ी लेने के लिए, एंड यहाँ से मैंने ले ली सब्ज़ी। लाइट भी नहीं है शायद, तो मैं फूल लेने के लिए आया था। और भी ख़रीदारी करनी है, और भी चीज़ें लेनी है। तो मैं लंच करने लगा हूँ क्योंकि घर का लंच बन चुका है, और लौकी की भुजिया है एंड रोटी, और ये भी खा रहा है। और अब मैं भी खाने लगा हूँ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर हमने जो है छिड़के मारे गली के, इतनी प्यारी कर दी गली छिड़के मार के, आप देख सकते हैं। शाम भी हो चुकी है और आज है चांद रात का दिन, और बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ यहाँ पर। तो दिशान तो मेरे पीछे लगा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अभी नहीं जाओ, अभी रुक जाओ। बार बार ये एक ही बात बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा रुक जा, अभी नहीं जा। मैं समझ रही हूँ, दिशान मुझे भी काम पे जाना है। अभी मैंने भी अपनी चीज़ें लेकर आ ली हैं सारी। रिजवान की भी दुकान में काफ़ी रश हो रहा है, सब दुकानों में काफ़ी रश हो रहा है, सब लेकिन अपने अपने कामों में लगे हैं। चलो अपन भी चलते हैं। हमारे देखो कितनी चहल पहल है, गायें हर तरफ से आ रही है और जा रही है पूरा ग्राउंड में। ज़बरदस्त किस्म की वो देखो, हर तरफ गायें गायें हैं, रौनक लगी हुई है, रौनक हर जगह पर देखें आप। और हमारी गली थोड़ी सी वीरान हो रही है। टाइम हो चुका है असर की नमाज का, अभी जाने लगा हूँ नमाज पढ़ने। काम कंप्लीट मैंने कर लिए अपने सारे, तो चलते हैं फिर नमाज पढ़ के आते हैं। तो मैं असर की नमाज पढ़ के आया हूँ और चाय भी लेकर आ गया अपने साथ। बहुत गर्मी है दोस्तों, मैंने आज इतने काम किए कि मैं तंग आ गया काम करके, तो इतना थक गया हूँ ना मैं कि मैं बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं मैंने अभी चाय लेकर आया हूँ घर से शॉप के, मैंने इतने सारे काम किए और सौदा सुलूक लेकर आया हूँ, फिर शॉप की सफाई की है मैंने, बहुत देर तक मैं लगे रहा। फिर जैद उसकी अपनी वालदा को परेशान कर रहा था, उसको भी घर के काम करने थे। जैद को फिर मैं यहाँ लेकर आया हूँ दुकान पे, इतनी देर बैठा रहा, उसको मैं बहलाते रहा, फिर मैं सामान लेने के लिए गया, फिर दुकान पर आया, फिर मैंने दुकान के काम किए सारे, फिर मैं घर गया ना चाय लेकर आया। मैं आज इतना थक गया हूँ ना कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया काम कर करके। मेरा दिल करता है एक कमरा हो अंधेरा और मैं सो जाऊँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मेरी फीलिंग ऐसी हो गई है। पीते हैं चाय, नाराज मत हो होगा मेरी बात पर, कोई सी भी अगर बुरी लगी होगा आई एम सॉरी। हो गई है मगरिब की अजानें शुरू, और मैं बहुत देर से खड़ा हूँ इंतज़ार में कि अजानें होंगी तो नमाज़ पढ़ने भी जाना है। तो देखें आप कैसा अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, सुकून मिल रहा है कसम से। कहते हैं कि सातवें आसमान के अर्श तक जाती है ये अजानों की आवाज़ें होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने, खड़े खड़े तो बहुत टाइम हो गया, निकलते हैं अब। तो यार दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि आज चांद रात का दिन है और कल ईद है। तो मैं यार दोस्तों में बहुत खुश हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी आज आके मुझसे मिल के गए हैं। शहजाद भी आया था, ज़िशान तो सुबह से ही मेरे पास था,
एंड अभी कस्टमर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग मेरे दोस्त भी हो, भाई भी हो, सब कुछ हो मेरे लिए, मेरे व्यूवर्स। एंड आज चांद रात का दिन है और कल ईद है, कल मैं अपने मम्मी और पापा से मुलाकात करूँगा, उनकी कब्र पे जाऊँगा और मेरा बेटा इस साल मेरे साथ है क्योंकि वो 4.5 महीने का हो चुका है अब। और ये जो ईद आएगी, इतनी सारी ईदें इस दुकान में मैंने अकेली गुजारी हैं तो बहुत ज़्यादा अब मैं खुश हूँ और एक्साइटमेंट भी हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि जैद भी मेरे साथ है और मेरा हमसफ़र भी मेरे साथ है। एंड मम्मी पापा की वजह से मुझे बहुत 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 उनकी याद आती थी, पापा आई वेरी वेरी मिस यू। तो खैर कोई नहीं, वो बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत ऊंची जगह पर है और बहुत खुश होंगे और मुझे दुआ भी देते हैं, मुझे महसूस होता है, मुझे पता है मेरी मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा दुआ देते हैं, इसलिए मैं कामयाब एक इंसान हूँ। तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी खुश रहें और कामयाब रहें, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो चलिए बाहर का व्यू तो चेक करते हैं कि कैसा हो रहा है बाहर का व्यू, और बहुत ज़्यादा रश हो रही है बाहर और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, अब देखिए कितनी रौनक हो रही है। तो अभी जो है चांद रात है और आगे आगे भी आपसे थोड़ी थोड़ी देर में मैं मिलते रहूँगा, सेलिब्रेशन करते रहेंगे हम आप और सब। तो मिलता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड एक बात और, कोई बात नहीं बाद में। तो ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और मेरे और आपके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तो कल ईद है और आज है चांद रात एंड अभी काफ़ी सारे लोग इंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेशन कर रहे होंगे और मैं भी कर ही रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 9 बजने वाले हैं और अभी का टाइम कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ का, कितनी चहल पहल हुई थी यहाँ पर, क्या हुआ, कितने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एंड बहुत रौनक लगी हुई है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए अभी मेरी तरफ़ से आप लोगों को, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।